क्षेत्र का मामला था ना अशोक गार्डन का, पूरा मामला ये इसमें पीड़िता के द्वारा जो रिपोर्ट टीकमगढ़ में पंजीबद्ध कराई है, वहीं की रहने वाली है वो, उसका कहना है उसके साथ कोचिंग में एक साथ में जो आरोपी है प्रवीण पटेरिया वो पढ़ता था और झांसी में लेकर के शादी करेंगे उसके नाम पर कई बार उसके फिजिकल रिलेशन बनाए, अंततः जब उसके द्वारा मना कर दी गई, जिस पर से पीड़िता के द्वारा हरियादिया के द्वारा 376(2)(n) का केस रजिस्टर्ड कराया है। आरोपी टीकमगढ़ का ही रहने वाला है, जल्दी ही टीम भेजी जाएगी। तो सर इसमें मामला वो पूर्व में यहीं रह पड़ते थे, अशोका गार्डन अंतर्गत लड़का रहता था, कोचिंग साथ थी और घटना स्थल उसका जो प्रारंभिक है वो अशोक गार्डन है, क्योंकि जो लड़के का घर है वो अशोक गार्डन अंतर्गत था उस समय। सर इसमें आरोपी को पकड़ लिया गया नहीं? अभी कल ही के डायरी आई है, केस रजिस्टर्ड हुआ, जल्दी पकड़ा जाए।